अहम खबर है, उज्जैन महाकाल के शिवलिंग से जुड़ी हुई, जिसका आकार प्रदूषण के कारण घट रहा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई है, महाकाल मंदिर के शिवलिंग में सुप्रीम कोर्ट में इसके आकार को लेकर, इसके घटते हुए आकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी, और इसके बाद जियोलॉजिकल और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की टीम वहां पर पहुंची और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट में कहा गया कि शिवलिंग को भस्म आरती में इस्तेमाल होने वाले जो कंडे हैं उनकी भस्म, जलहार और फूल के साथ ही मंदिर के गर्भगृह में दर्शन करने पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के शरीर की गर्मी से खतरा है, और इसी वजह से मंदिर का जो शिवलिंग है उसका आकार लगातार घट रहा है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भस्म आरती में जिस कंडे की भस्म को चढ़ाया जाता है उससे शिवलिंग में क्षरण हो रहा है। शिवलिंग पर जो जल चढ़ाया जाता है उसमें बैक्टीरिया यानी कि कीटाणु है, और जो पानी है वो भी प्रदूषित है, इसीलिए पानी की मात्रा को कम किया जाए। दूध, दही, घी, शहद सहित शक्कर और जो फूल माला चढ़ाई जाती है उससे भी इसका आकार लगातार घट रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि किसी भी तरह का केमिकल पाउडर उसे बैन किया जाए, उसके इस्तेमाल को बैन किया जाए। गर्भगृह में सीमित संख्या में श्रद्धालुओं को एंट्री दिए जाने की सलाह भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में दी है, और इसके साथ ही ये भी कहा गया कि गर्भगृह को सूखा रखा जाए। और इस पर और ज्यादा डिटेल्स मेरे सहयोगी संदीप दे रहे हैं। संदीप, क्या हो रहा है शिवलिंग के साथ? आप वहां पर पहुंचे होंगे, आपने देखा होगा, और उसके बाद अब जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आ चुकी है तो किस तरह से मंदिर प्रशासन तैयारी में है शिवलिंग के रखरखाव को लेकर? देखिए, ये नुकसान जो हो रहा है इसकी शिकायत तो सुप्रीम कोर्ट ने काफी पहले की थी, और इसीलिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पर सर्वे किया और ये पता लगा लिया है, ये हासिल हो गया है कि महाकाल के जो शिवलिंग है उसका क्षरण हो रहा है और आकार में धीरे धीरे कमी आ रही है। लेकिन कमी आने की जो वजह बताई गई है वो चौंकाने वाली है, क्योंकि महाकाल के शिवलिंग का रुद्राभिषेक रोजाना होता है जिसमें हल्दी, कुमकुम और दूसरे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ रोजाना रात में, आधी रात के बाद में अल सुबह ही भस्म आरती की जाती है, और ये दोनों ही चीजें महाकाल मंदिर के रोजाना का नियम है, और इन्हीं दोनों चीजों की वजह से अगर महाकाल के शिवलिंग का क्षरण हो रहा है तो एक चौंकाने वाली बात है। और इस रिपोर्ट के बाद में अब जरूर महाकाल मंदिर प्रबंधन की कोशिश करेगा कि इसको कैसे बचा जा सके, कैसे लोगों का आना गर्भगृह में रोका जा सके, और भस्म आरती और पूजा का जो रुद्राभिषेक है इसे किस तरह से अंजाम दिया जाए जिससे कि शिवलिंग का क्षरण रोका जाए। लेकिन अपने आप में एक बड़ी खबर है, जो श्रद्धालु महाकाल के मंदिर में प्रवेश करते हैं वो महाकाल के शिवलिंग के करीब पहुंचना चाहते हैं और उनका स्पर्श करने के बाद में आशीर्वाद देना चाहते हैं। तो अब मंदिर प्रबंधन इन श्रद्धालुओं को कैसे शांत कर पाएगा, कैसे उनकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए और शिवलिंग का क्षरण रोक पाएगा, ये एक आने वाले दिनों में होने वाली बात है। बिल्कुल, और बड़ी बात यह है कि श्रद्धा से जुड़ा हुआ प्रश्न है, और जिस तरह की परंपरा रही है शिवलिंग के पूजन को लेके, चढ़ावे को लेके, ये कोई अभी की शुरुआत नहीं है, ये तो काफ़ी लंबे वक्त से चली आ रही है। और मुझे लगता है कि कितना डैमेज आपने देखा है कि अभी तक हुआ है जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। देखिए, तकरीबन 15 दिन तक ये सर्वे किया गया है और दोनों ही एजेंसियों के वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया कि इससे पहले आकार कितना था और आकार में कैसा क्षरण हो रहा है। 15 दिन की रिपोर्ट में यह पाया गया है कि धीरे धीरे परतें शिवलिंग की वो खत्म हो रही है, चढ़ रही है, और उसकी वजह है नुकसान केमिकल की वजह से है और यहाँ मौजूद श्रद्धालुओं की भीड़ की गर्मी की वजह से है। अगर इन्हें रोका जाए तो ये जो क्षरण जो अभी फिलहाल बहुत कम मात्रा में दिखाई दे रहा है ये आगे जाके बच सकेगा और शिवलिंग बचा रह पाएगा। लेकिन यदि भीड़ यहाँ पर आती रही और इसी तरह से केमिकल का उपयोग होता रहा, रुद्राभिषेक और भस्म आरती में इसी तरह से इस्तेमाल किया गया, तो बहुत जल्दी आने वाले दिनों में कुछ साल जरूर लगेंगे लेकिन शिवलिंग का आकार बेहद कम हो सकता है, जो श्रद्धालुओं के लिए नुकसानदायक होगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। इसके साथ ही आपको ये जानकारी हम देना चाहेंगे कि जिनकी तरफ से याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उनका क्या कहना है वो भी आपको जरूर सुनना चाहिए, जिसके बाद ये तमाम बातें सामने आई हैं।
भस्म, तो भस्म भी एक कंडे की राख से, उसमें उसमें खुद लिखा हुआ है कि हम कंडे की राख से भस्म कर रहे हैं, पर और उसको उन्होंने बोला है कि ये गलत है। उस पर उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि इस तरीके के जो हो रहा है ये, और उसमें जो जलाधारी है उसके नीचे की तरफ लेयर बन चुकी है तो वो जमावट है, तो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि इसको रोका जाए। और उन्होंने ये भी कहा है कि गर्भ काफ़ी छोटा है, जो चांदी की मंदिर की जो बनी हुई है तो वो धुएँ वगैरह से वो जो भी है वो चांदी का आज जो वर्तमान में रूप है उतना वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए।